हम यहाँ आए थे इक्विपमेंट करने अपना, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे कंपोनेंट्स यहाँ पर हैं। हमने ये कंपोनेंट्स का लैमिनेशन रोड से राहुल अपना ग्राफिक कार्ड रखा है, यहाँ पे अपना रैम प्रोसेसर सब रखा है। यहाँ परचेज करने से पहले कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रख के यहाँ परचेसिंग कर देंगे, तो वो आपको राहुल भाई से जानेंगे। इफ़ यू वांट टू बाय अ मशीन in Lavender Road, you just make sure that the product is sealed and it is a full warranty. For example, the graphic has a warranty of 3 years and you can upgrade to 5 years also for an extension of 2 years warranty. So that is available only in district products, not in import products. Import as in for the open box products. If you buy a graphic card, a sealed product, for example, this will cost you 36,000. And the same in open box will cost you 33 or 32,000 because it has a greater range of margin. If you buy a sealed product, you will get a proper warranty, proper authorized service and the warranty and with GST bill. Difference itna possible nahi hai ki lakh ka cheez aapko 50 mein mile ya lakh ka cheez aapko 60 mein mile ya 60 mein. Maximum lakh ka cheez aapko 90-95 Lavender Road pe. Okay. So Lavender Road dealer ko kharab nahi hai. Naam kyun kharab ho raha hai? Because यहाँ पे कस्टमर डिमांड कर रहे हैं कि सस्ता मिल रहा है, बिकॉज सस्ता कस्टमर भी की कोई गलती नहीं है। प्रोडक्ट यहाँ पे लेने आ रहे हो, आगे आपको भाव कम मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, इतने सारे फ्लक्चुएशन है, कस्टमर भी परेशान हो जाते हैं एंड एट द एंड ऑफ डे दे विल एंड अप बाइंग नथिंग और एल्स दे विल बाय अ प्रोडक्ट विच इज़ लोअर इन क्वालिटी और विच इज लोअर इन रेशियो। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फीचर्स जो है आपको AMD के ज़्यादा बताया जाएगा, जिसमें एक कोर ज़्यादा है, ग्राफिक ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, वारंटी सपोर्ट ज़्यादा है, वारंटी कॉल लॉक होगा, आपको बॉक्स में ऑथराइज मिलेगा एंड बेसिकली वी एंड टू होल्ड द सेगमेंट। सो हमें को लेना देना नहीं रिटेल से, कैसा है जो प्रोडक्ट आया है, जैसे कि क्या है, हार्ड डिस्क हमको आती है 3500 में, तो मैंने आपको 3600 कोट कर दी, 100 रुपये मिला, बट आपको प्रोडक्ट जेन्युइन मिला है। जरूरी नहीं कि मुझसे परचेस करो या किसी और से परचेस करो, बट देखिए कि आपका सोर्स ऑफ ओरिजिन इज जेन्युइन एंड इट्स 100% कमिटेड प्रोडक्ट। काफ़ी कई कस्टमर ऐसे हो जो कोटेशन मांगते अभी, बट लेते हैं एक महीने बाद या डेढ़ महीने बाद, या फिर उनको अभी सर्वे कर रहे हैं, बट वो चीज़ सेंसिबल नहीं है। सपोजिंगली आज आपने प्रोडक्ट का रेंज निकाला, आपका मशीन का बजट है 1,00,000 रुपया, आपको मैंने क्वेश्चन कर दिया 18,000, ओके, देन उसके बाद क्या होगा, 7 दिन बाद आप आए कि सर अब डन कर दो, मशीन मंगवा दो, लेकिन 7 दिन बाद ये ज़रूरी नहीं है कि कंपोनेंट्स की अवेलेबिलिटी मार्केट में हो। कस्टमर को ये बोलना चाहता हूँ, जैसे कि आप प्रोडक्ट अभी आप ले आप बाय कर रहे हो या फिर आज ही आपका मन आपने बना लिया कि आपको मशीन बनाना ही है, आप सर्वे करो 10 जगह, लेकिन देखो कि आप प्रोडक्ट सेम लो, इक्विवेलेंट लो या फिर उसके हायर प्रोडक्ट्स हो। ऐसा ना हो कि आप i9 डिमांड कर रहे हो, आप लेके गए i7। मैंने इस सिस्टम की कंपोनेंट्स की कॉस्टिंग निकाली थी, मैं दिल्ली भी गया था, मतलब कॉस्टिंग निकालना जगह गया था मैं, और जो मुझे बेस्ट कॉस्ट मिला है वो राहुल भाई ने दिया है हमको। तो अब इसको वो जगह खोलते हैं, अनबॉक्स करते हैं, असेंबल करते हैं और अपना CPU बिल्ड करते हैं। इंजेक्टर कैबिनेट, ग्राफिक कार्ड, मदरबोर्ड, इसको भी यहाँ पे असेंबल करेंगे। ये अपने कूलर NGXT के लिए हैं, भी CPU खोल रहे हैं, जितने भी मैंने प्रोडक्ट लिए हैं, चाहे वो रैम हो, चाहे वो कूलर हो, कैबिनेट हो, ग्राफिक कार्ड हो, सबकी सील आप खुद ही ओपन करो खुद के हाथ से। मदरबोर्ड GigaByte का, यस ऑफ कोर्स 8GB, और इसको ये अपना प्रोसेसर कोई देख नहीं, खोल दिया, खोल दिया i9 11th generation, रैम 16 GB की दो है, 32 GB कॉर्सियर की। प्रोसेसर लग चुका है, ये रैम लग चुकी है, ये मदरबोर्ड माउंट हो चुका है, ये पूरा सब 8GB है, ये भी 8GB है, तो अब इसका ये SMPS है, अब इसको माउंट करेंगे यहाँ पे। ये है इसका SMPS, ये GigaByte का हमने परचेज़ किया है और इसको NGXT में ये नीचे माउंट होता है। तो वन ऑफ द रीज़न मुझे NGXT की कैबिनेट जो मैंने R&D की थी, क्या NGXT का, कॉर्सियर का, कूलर मास्टर का, सबसे अच्छा कैबिनेट मुझे NGXT का लगा, क्योंकि ये सिंपल और क्लासी होते हैं और इसका जो आप देख सकते हो वायर मैनेजमेंट है वो एकदम प्रॉपर है, कोई वायर आलतू फालतू निकलता हुआ नहीं मिलेगा आपको। अपनी हार्ड ड्राइव है 2TB की, ये WD के लिए हमने परचेस करी है, तो ये हार्ड ड्राइव भी यहाँ माउंट हो चुकी है नीचे SMPS, यहाँ पे मदरबोर्ड, रैम, प्रोसेसर सब यहाँ पे माउंट हो चुका है। इस NGXT के कैबिनेट में 1, 2, 3 और एक इधर 4 फ़ैन है जो आपको ऑलरेडी मिलेंगे। ये 3 तो 8GB है, इसका मुझे आइडिया नहीं है, शायद ये नहीं है, तो चलेगा तो पता चलेगा कि 8GB है या नहीं है। तो 3 8GB हैं और 3 फ़ैन अपने ऊपर लगाएंगे, जो कि ये रखा कूलेंट और इसके फ़ैन, तो कूलेंट में फ़ैन अटैच कर दिए, और ये है डिस्प्ले, तो ये चीज़ जो है इधर माउंट होगी। ये है Zotac का RTX 8GB ग्राफिक कार्ड, ये इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पे।
थैंक यू ऑल बॉस, थैंक यू, थैंक यू बॉस, थैंक यू नरेंद्र भाई। हेलो, और खासकर ये लोग होते तो दिल से ये तो यार भाई। दिस इज डे टू, कल काफ़ी लेट हो गया था, CPU ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था, बस थोड़ा सा इशू आ रहा था, तो हम कल इसको 11 बजे यहाँ छोड़ गए थे और फिर आज वापस आए हैं, CPU पूरा पैक किया है, दिखाता हूँ। इस तरीके से कुछ पैकिंग करिए, इसकी अच्छे खासे बॉक्स में है, बबल रैप कराए इसको, ये इसका टॉप है और ये है अपना मॉनिटर BenQ का 27 इंच, ये भी काफ़ी बड़ा है। सामान यहाँ पे रखा हुआ है और कोई टैक्सी वाला नहीं मिल रहा है यहाँ पर हमको।